लहरपुर क्षेत्र में एक गांव का सरकारी नलकूप बरसों से खराब पड़ा है और किसानों की फसलें सूख रही हैं। ग्राम प्रधान के द्वारा कई बार उच्चाधिकारियों को सूचित किया जाने के बावजूद आज तक सरकारी नलकूप ठीक नहीं कराया गया, जिसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार परसेंडी विकास खंड के एक गाँव उदानपुर कला के मजरा बनियापुर में सरकारी नलकूप बरसों से खराब पड़ा है और किसानों की फसलें सूख रही हैं। ग्राम प्रधान व अन्य किसानों के द्वारा नलकूप विभाग के उच्चाधिकारियों को बार बार सूचित करने के बावजूद आज तक नलकूप की बीमारी दूर नहीं हो पाई है। लहरपुर से बलराम मिश्रा की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। सियारपुर में 20 सालों से बंद पड़ा है ट्यूबवेल, जिससे कृषि भूमि हो रही है बंजर। भाइयों, ये ट्यूबवेल कितने दिनों से बंद है? 20 साल से। क्या लाइट आ रही है यहाँ पर? नहीं। अच्छा, टेबल के पड़ोस में किन किन लोगों के खेत हैं? हमारे। नाम बताइए उनके। राजकुमार। और टोटल बताइए। सबके बताओ। सबके बताओ। राजकुमार, अंबर सिंह। हाँ। इंद्रपाल और राम नरेश, राम भरक। रामू मिर्ची। हाँ, तो प्रधान जी, आपके ग्राम पंचायत में ट्यूबवेल की क्या समस्या है? मैं ग्राम प्रधान उदनापुर कला। हमारे यहाँ जो एक मजरा है दनियालपुर, उसमें जो है ट्यूबवेल 20 वर्षों से जो है बिल्कुल ख़राब और जर्जर अवस्था में पड़ा है और हमने एक दो बार शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी वहाँ मौके पर नहीं पहुँचे हैं। उसमें ट्यूबवेल नंबर भी लिखा है और करीब वहाँ पर सिंचाई का कोई भी साधन नहीं है ट्यूबवेल के अतिरिक्त। तो ट्यूबवेल अगर बन जाए तो सैकड़ों बीघा जो ज़मीन फसल ख़राब हो रही है, किसान की जो है फसल बेकार हो रही है, वो अपना सुधर जाएगी और फसल जो है किसान की आय दुगनी हो जाएगी, जैसा भारत सरकार का या हमारे देश की सरकार का कहना है। और इसीलिए मैं मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ कि उसका जो है फिर से जो है सही ट्यूबवेल का मरम्मत करके सही करवा दिया जाए। और उसमें लाइन अभी दनियालपुर में आने वाली है तो 3 फेज कनेक्शन उसका हो जाए, तो जिससे जो व्यवस्था